क्या पुष्पा उठा पाएंगी इतनी बड़ी जिम्मेदारी? क्या पुष्पा उतर पाएंगी मास्टर जी की उम्मीदों पर खरी? जी हाँ, आपको बता दे, सोनी सब के पॉपुलर शो पुष्पा इम्पॉसिबल में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मास्टर जी को जैसे ही पता चलता है कि उनके पास काफी कम वक्त बचा है, वैसे ही वो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगने आ जाते हैं पुष्पा के पास। और आते ही सब पहले तो शॉक्ड हो जाते हैं उनको देखकर, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी बातें पुष्पा के सामने रखते हैं और उन्हें स्कूल संभालने की जिम्मेदारी अपने सर पर लेने के लिए कहते हैं। हालांकि पुष्पा ये जिम्मेदारी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि पुष्पा का ऐसा कहना है कि अभी तक उन्होंने अपना 12वीं भी क्लियर नहीं किया है और वो इतने बड़े स्कूल का जिम्मेदारी कैसे संभालेंगी। पर मास्टर जी को भी पता है कि उनके पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए उनके पास ज्यादा सोचने समझने का समय नहीं है और बार बार वो पुष्पा को फोर्स कर रहे हैं और इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए मना रहे हैं। पहले तो पुष्पा पूरी तरह से मना कर देती हैं, लेकिन फिर मास्टर जी ने उन्हें एक दिन सोचने का वक्त दिया हुआ है। अब देखना होगा क्या पुष्पा ये जिम्मेदारी उठाने के लिए हाँ करती हैं, और अगर करती हैं तो क्या पुष्पा ये जिम्मेदारी उठा पाएंगी, इतने बड़े स्कूल को संभाल पाएंगी। वैसे आपका क्या कहना है, क्या पुष्पा ऐसा कर पाएंगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एंड फॉर मोर स्टडी टाउन अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज़।